रविवार को वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से नवाजा। कई सालों तक चली प्रक्रिया के बाद दोपहर 2 बजे पोप ने आधिकारिक रूप से उनके संत होने की घोषणा कर दी। आज से गणपति महोत्सव की शुरुआत, पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10 दिनों तक चलेगा गणपति महोत्सव, मुंबई में फिल्म स्टार से लेकर आम आदमी महोत्सव की तैयारी में जुटा। राजस्थान की वसुंधरा सरकार को पूर्व राजघराने के आगे झुकना पड़ गया और पुलिस अधिकारियों के भारी बल के साथ राजमहल पैलेस के जिस दरवाजे को सील कर गार्डों की फौज तैनात की थी उसे खोल दिया गया है। इससे पहले शनिवार रात को मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली से भेजे गए बीजेपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री सोहोदान सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व राजघराने की राजमाता पद्मभनी देवी के बीच सीधे बातचीत कार्रवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में ही राजमाता पद्मभनी देवी से ही बयान दिलाया गया। के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, सभी राजनीतिक दलों से करेंगे मुलाकात। पहले दिन हुर्रियत चेयरमैन सैयद गिलानी ने बातचीत से किया इनकार, ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए घर का दरवाजा बंद रखा। डी राजा शरद यादव और सीताराम येचुरी गए थे गिलानी से मिलने, किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दिया। सीताराम येचुरी ने कहा, हमने हुर्रियत को दिया संदेश, हम किसी से भी बातचीत के लिए तैयार। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक भी डेलीगेशन से नहीं मिले, चश्मा शाही जेल में हैं बंद। असदुद्दीन अवैसी अलग से मीरवाइज से मिलने गए, मीरवाइज ने केवल दुआ सलाम। बड़गाम के जेल में यासिन मलिक से मिलने गए शरद यादव, येचुरी और डी राजा बातचीत से इनकार। देहरा जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मिला ऑल पार्टी डेलीगेशन, कश्मीर के मुद्दे पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कल श्रीनगर पहुंचा सभी दलों का डेलीगेशन, सीएम महबूबा मुफ्ती उमर समेत कई लोगों से मुलाकात की। चीन के होंगजू में 2 दिवसीय G20 समिट का आज अंतिम दिन, यूके के प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मिलेंगे पीएम मोदी। थेरेसा मे और पीएम मोदी की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, करीब आधे घंटे तक चलेगी द्विपक्षीय वार्ता। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री से भी होगी पीएम मोदी की मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दोपहर करीब 2:30 बजे समिट की क्लोजिंग सेरेमनी, आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। संदीप कुमार की आज कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने कल एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। रोहिणी कोर्ट में कल हुई थी संदीप कुमार की पेशी, पुलिस ने 14 दिनों की मांगी थी हिरासत। संदीप के पति ने साजिश फंसाने का आरोप लगाया, कहा मेरे और मेरे पति के साथ पूरा परिवार। आम आदमी पार्टी ने कॉमेडियन से नेता बने गुरप्रीत गुग्गी को पंजाब का संयोजक बनाया, सुच्चा सिंह छोटेपुर की जगह लेंगे। पंजाब के नवांशहर में आप कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान के खिलाफ खोला मोर्चा, बलाचौर में आज होने वाली रैली का करेंगे। अब पैलेट गन के बजाय मिर्ची पाउडर वाले पावा गोले का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कश्मीर जाने से एक दिन पहले इस पर सहमति दे दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन के बजाय अब नोनी वेमाइड यानी पहला गार्निक एसिड वेनाइल एमाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। मोस्ट वांटेड आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर में किसी तरह के शांतिपूर्ण समाधान में अड़चन डालने की कसम खाई है। सलाहुद्दीन ने धमकी दी है कि वो घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बना देगा। उसने कहा कि वो कश्मीरियों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाएगा। हरियाणा की डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने की खुदकुशी की कोशिश, सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स से आहत, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। खुदकुशी की कोशिश से पहले सपना ने लिखा सुसाइड नोट, सतपाल तंवर नाम के एक शख्स पर लगाया आरोप। सपना चौधरी ने सतपाल तंवर पर लगाया साजिश रचने का आरोप, लिखा मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कुछ महीने पहले सपना पर एक गाने को लेकर दर्ज हुआ था SC ST का केस, इसी के बाद सपना के खिलाफ चला दिया। सपना चौधरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार, मामले की जाँच में जुटी दिल्ली पुलिस। यूपी के रामपुर के स्वार में नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश के बादशाह को कमजोर और बुजदिल करार देते हुए कहा कि देश के रखवालों के दुश्मन देश जहां सिर काट रहा हो, वहीं देश का बादशाह पाकिस्तान जाकर देश के दुश्मन की माँ को कश्मीरी शॉल भेंट कर उसके पैर छू रहा है। गीतकार जावेद अख्तर ने 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़ास निकाली है।
जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, मैं तीन तलाक को सही ठहराने पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने अलगाववादी नेताओं की सहायता करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर दी है। बांग्लादेश कट्टरपंथी जमात इस्लामी के मुख्य फाइनेंसर और मीडिया हस्ती मीर कासिम अली को फांसी दे दी गई है। कासिम को 1971 में हुए मुक्ति संग्राम के दौरान गलत भूमिका को फांसी की सजा सुनाई गई थी।